सर्दी यानी ठंडी का सीजन चालू हो गया है और ढेर सारी ताजी हरी सब्जियां मार्केट में भर भर के आने लगी है। इन सब्जियों में हरे धनिए का तो बहुत खास रोल होता है, उसके बिना सब्जियों का टेस्ट कम पड़ जाता है। साथ में धनिया विटामिन से भरपूर है, जो आजकल की पैंडेमिक में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही जरूरी है बॉडी के लिए। तो आज की रेसिपी है खास विटामिन सी से भरपूर, प्रोटीन फाइबर से भरपूर, जो इस कड़कड़ाती ठंडी में आपको रखेगी तंदुरुस्त और तरोताजा। इस वीडियो में मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए नया सब्स्टिट्यूट बताया है, जो कि है प्रोटीन से भरपूर और फाइबर से भरपूर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और आने वाली नई रेसिपीज़ का मज़ा उठाएं। अक्सर हम धनियों के पत्ते का ही यूज़ करते हैं और उसकी डंडियाँ फेंक देते या कभी कभार उसका इस्तेमाल चटनी बनाने में करते हैं, अगर वो छोटी या सॉफ्ट होती है तभी। अभी तो मार्केट में फ्रेश देसी धनिया आने लगा है, जो बहुत ही खुशबूदार होता है और उसकी डंडियों में पत्तों से कई गुना ज़्यादा अरोमा और टेस्ट होता है। अगर इन डंडियों को आप थोड़ा सा दबाएंगे या तोड़ेंगे तो उसमें से आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जूस निकलता है और बहुत ही खुशबूदार ये डंडियों का जूस होता है। डंडल को अच्छे से 2-3 पानी से साफ़ सुथरा धो के रखना है, क्योंकि ये मिट्टी से भर के आता है, खेत से आता है डायरेक्टली। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे धनिया के डंठल को मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में ले लिया है। अभी हमें इन्हें पीस कर इसका जूस निकाल लेना है। अभी यहाँ पे 1 से 1.5 ग्लास जितना पानी लगेगा इन्हें पीसने के लिए, उतना पानी डाल के इन्हें पीस लेना है। अगर आपको लग रहा है कि इन्हें पीसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे डंठल को पीस लिया है। अभी हमें इसे छन्नी से छान के जूस निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से सारा जूस यहाँ पे छान के निकाल लिया है। डंडियों को पीसने के बाद इसका जो जूस निकल के आता है बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और उसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे जूस निकल के आया है डंडियों से। तो इसे साइड में रख के हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म करने रखी है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के तेल। आप यहाँ पे इससे भी कम तेल ले सकते हैं। अगर आप डाइट पे और हेल्थ कॉन्शियस है तो बिना तेल के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, या 2-3 बूंद तेल में भी इसे बना सकते हैं। तेल 1 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे 5 से 6 बड़ी लहसुन की कलियों को एकदम बारीक चॉप करके लिया है। अभी इसे तेल में 1/2 मिनट के लिए सौटे कर लेना है। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा किसा हुआ अदरक। बिना अदरक लहसुन के आप सूप या काढ़ा बनाते हैं तो उसका पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें टेस्ट भी नहीं आता है और अदरक लहसुन इस ठंडी के सीज़न में बहुत ही गुणकारी होता है, तो इसे ज़रूर डालें। 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ गाजर लिया है। सभी सब्जियाँ अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, आपको जो भी सब्जियाँ पसंद है। साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बीन्स लिए है। पत्ता गोभी मैं लास्ट में डालने वाली हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ी सी कच्ची रहेगी तो अच्छा लगता है। बीन्स और गाजर को थोड़ा फ्राई होने में टाइम लगता है। अभी 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पे पत्ता गोभी डाल रही हूँ। बस अभी इन सब्जियों को हमें 1/2 मिनट के लिए सॉटे करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है और एकदम से सॉफ्ट भी नहीं करना है। थोड़ी क्रंची रहेंगी सब्जियाँ तो ही अच्छी लगती है सूप में। 1/2 मिनट सब्जियाँ अच्छे से सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पर जूस डाला है, जो मैंने डंडियों से निकाल के लिया है। अभी मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल के सूप की क्वांटिटी एडजस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा डंडियाँ पीस के सिर्फ जूस का ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद अभी इसे बॉईल करना है। अभी कवर करके जब तक इसे बॉयल आ रहा है तब तक हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉर्नफ्लोर की जगह दूसरा रिप्लेसमेंट बताने वाली हूँ आपको मैं, और ये रिप्लेसमेंट है ओट्स, जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है और कॉर्नफ्लोर से कई गुना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। अगर आप डाइट पे हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है और ये कॉर्नफ्लोर से कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। ओट्स को पीस कर हमें इसका पाउडर बना लेना है, इसलिए थोड़ा सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ठंडी या बारिश की वजह से ओट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको भूनना पड़ता है ताकि इसको अच्छे से पीसने में आसानी हो जाए। इस तरह से आप ओट्स को भून के पीस के उसका पाउडर बना के रखेंगे तो आप इसे कभी भी किसी भी टाइम सूप बनाते समय झटपट यूज़ कर सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। तो अभी ये पाउडर बना के मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। जब तक मैंने यहाँ पर ओट्स का पाउडर बनाया है तब तक यहाँ पर सूप भी मेरा बॉयल हो गया है।
बढ़िया से अच्छे से बॉईल आ गया है सूप में। अभी गैस फ्लेम लो कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एकदम ताज़ा और खुशबूदार। धनिया का सूप बना रहे हैं यानी कि ओरिएंडर सूप बना रहे हैं, और उसमें धनिया नहीं डालेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और पीने में भी मज़ा नहीं आएगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ओट्स का पाउडर बना के रखा है वो डालना है। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको सूप कितना गाढ़ा या पतला बनाना है उसके हिसाब से एक चम्मच दो चम्मच वैसे डाल सकते हैं। स्लो गैस पे हमें ये ओट्स पाउडर डाल के फटाफट से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए। इसे फटाफट से मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। आप पहले थोड़ा सा ही ओट्स पाउडर डाल के मिक्स करें, अगर आपको लगता है कि पतला है सूप तो इसमें थोड़ा सा और डाल के मिक्स कर सकते हैं। जैसे जैसे सूप यहाँ पे बॉईल होते जाएगा वैसे वैसे सूप गाढ़ा होता जाएगा ओट्स पाउडर की वजह से। अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून लिया है। इससे हमारे सूप में एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा और फ्लेवर आएगा। अब इसे सिर्फ आधे मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो सूप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर ज़्यादा पकाएंगे तो। अभी सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें डालना है नींबू का रस। यानी नींबू का रस डालने से ये हो जाएगा हमारा लेमन कोरिएंडर सूप, जो कि टेस्ट से भरपूर है और नींबू तो विटामिन सी से भरपूर ही है। इसे हमारे डेली डाइट में यूज़ करेंगे तो बहुत ही फायदे है और इम्यूनिटी बूस्टर का एक काम करता है। नींबू के रस की वजह से इस सूप का टेस्ट और बढ़ जाएगा और सूप हमारा फीका नहीं लगेगा, एकदम ब्लैंड टेस्ट नहीं लगेगा। नींबू का रस डालने के बाद फट से हमें गैस फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि नींबू का रस डालने के बाद कोई भी सूप हो या काढ़ा हो या कोई भी रेसिपी हो ज़्यादा देर पकाते नहीं। तो तैयार है हमारा कोरिएंडर लेमन ओट्स सूप, जो कि टेस्ट से है भरपूर और प्रोटीन और फाइबर विटामिन से है भरपूर। सुबह हो या शाम आप कभी भी इस सूप को बना के एंजॉय कर सकते हैं और चाय की जगह इसे पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और कॉर्नफ्लावर की जगह जो ओट्स लिया है वो तो बहुत ही प्रोटीन रिच है। अगर आपको कोरिएंडर सूप पसंद है तो इस तरीके से आप सूप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है और आपके सारी फैमिली को पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके इस तरह सूप ज़रूर बनाएं। इस ठंडी में आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें, इससे आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगी। साथ में लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स भी दें।